हाँ, जो हिंसा हो रही है आदिवासियों के महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, उनको जो कड़ी से कड़ी सजा दी है, हम तो फांसी की सजा दी जाए। हाँ, मांग करते, फांसी की सजा मांग करते हैं, कहना है। लेकिन बीजेपी से खुश है, नाराज है? नहीं है, खुश नहीं है बीजेपी। सरकार तो हमें परेशानी कर रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठी सरकार है ये। मोदी जी झूठे हैं, झूठे हैं। तमाम आदिवासी महिलाएं मेरे साथ है। कहाँ से आई हैं मैम आप? हाँ, कहाँ से आई? मैं तो जयपुर जिला से, बड़वा से। हाँ, कहाँ से आई आप? उत्तराखंड बाजपुर से, पूर्व बिलासपुर में, किशोरी देवी। आदिवासी हैं? आदिवासी हूँ सर। लगातार आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, जो हिंसा हो रही है आदिवासियों के महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, उनको जो कड़ी से कड़ी सजा दी है, हम तो फांसी की सजा दी जाए। हाँ, मांग करते, फांसी की सजा मांग करते हैं, कहना है। लेकिन बीजेपी से खुश है, नाराज है? नहीं है, खुश नहीं है। बीजेपी तो कह रही है कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। सुविधा ही नहीं है कुछ बात की, तो खुश कैसे रहेंगे? सरकार तो हमें परेशानी कर रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठी सरकार है ये। मोदी जी झूठे हैं, झूठे हैं। अरे कौन सा झूठ बोल दिया ऐसा? और ये हिंसा हो रही है, गलत नहीं है ये? कितनी महिलाओं में जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको मोदी जी क्यों नहीं रोक रहे हैं? ये गलती तो हो रहा है माँ बहनों के साथ। हम तो कह रहे हैं जो जो हत्यारा है, इससे कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए, तभी हमें शांति मिलेगी। सरकार नहीं दिलवा रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने वीडियो देखा था मध्य प्रदेश में, कैसे एक ब्राह्मण था और आदिवासी के सर पर, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में पेशाब कर रहा था। जी जी जी, ये बहुत गलत है। मैं तो कह, जो हत्यारा है, इनके कड़ी से कड़ी सजा दी है, फांसी की सजा दी जाए। सरकार कह रही है कि जो है कि ये आदिवासियों की सरकार है और राम राज्य यही है। गलत। आपको लगता राम राज जा गया है? आपको लगता मैम राम राज जा गया है? जी हाँ। कोई बोलेगा इनमें से? कोई नहीं बोलेगा। अम्मा आप कहाँ से आई हैं? जयपुर जिला से। हाँ, जयपुर जिला से आई। आप भी आदिवासी हैं? हाँ। वो वीडियो आपने देखा था, कैसे एक आदमी जो है बीजेपी का नेता, एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा है? मैं नहीं देखा था। 2024 में राहुल गांधी बोल दिया, क्या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? नहीं बात करेंगे आप? देखिए, ये लोग हैं मतदाता, असली नागरिक, मूल निवासी। ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बोलने का अधिकार ही नहीं दिया गया इन लोगों को, कि ये लोग बोल पाए, अपनी आवाज़ को रख पाए, अपनी आवाज़ को उठा पाए। लेकिन आज एक कांग्रेस का आंदोलन था, आदिवासी समाज का आंदोलन था, और ये लोग आए थे यहाँ पर, आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि लगातार देश का कोई भी हिस्सा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ पर आदिवासी हैं, लगातार आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, और सरकार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती कर रही है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब सामने से आकर के कह रही है, बीजेपी की सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमले छोड़ने का काम करती है, और इसमें तमाम दिग्गज नेता आए थे, जिसमें जो है कि लिलोटिया हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए थे और अपना जनसमर्थन दिया, और सभी ने एक स्वर में कहा कि साल 2024 में जब आम चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वे लोग किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। हम आपको अनकट वीडियो दिखा रहे हैं इसीलिए क्योंकि महिलाएं बोल नहीं पा रही हैं। जैसे कैमरा सामने आता है, मैं माइक उनके पास ले जाता हूँ, हंसने लगती हैं, कहती हैं हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि इन लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जो इनके हक और अधिकार थे उस पर डांका डाल लिया गया, इनके हक और अधिकार को छीन लिया गया। लेकिन वहीं कहीं अगड़े समाज की महिलाएं होती, वे खुल करके बोलती और अपनी आवाज़ को बहुत ही मुखरता के साथ बुलंद करती। लेकिन ये आदिवासी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं और कैमरे पर ये लोग नहीं बोल पा रही हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन,
नेशनल दस्तक जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।